तो वो सभी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का। आप सभी को ये तो पता है, इससे अपन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज होकर कहाँ जाता है, टास्क बार के ऊपर। ये ऑप्शन ये वाली जो बटन रहती है इसको अपन बोलते हैं मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज, सॉरी मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, दो नाम होते हैं इसके। अभी ये इस पर आप माउस पॉइंटर लेकर जाना है, क्या आ रहा है, मिनिमाइज, क्योंकि ये मिनिमाइज है, सॉरी मैक्सिमाइज लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिमाइज ये रहती है, जो आपको माइनस टाइप का साइन दिखता है ये होती है मिनिमाइज। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैक्सिमाइज, क्योंकि अभी ये मैक्सिमाइज है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये फुल स्क्रीन पर हो गए। तो अब आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो क्या बता रहा है यहाँ पर, रिस्टोर डाउन। और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिखेगा, मैक्सिमाइज। आप यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं, इस पूरी विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। अब ये ऑप्शन क्या होते हैं, ये होते हैं रिबन, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन कौन सी होती है अपनी, ये वाली रिबन बार। ठीक है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। ये आपको वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट पे, तीनों में सेम मिलते हैं। आप ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर मेन्यू बार के साथ रिबन बार भी आपको नहीं दिख रही। अगर आपको किसी ऑप्शन का यूज नहीं करना, जैसे आपको लग रहा है कि हमें ज्यादा ऑप्शन का यूज नहीं करना, हमें बस इसमें काम करना है, तब आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं नीचे से स्टेटस बार भी नहीं दिख रहे और ऊपर के भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब आपको किसी ऑप्शन का यूज करना है, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन का यूज करना है, फिर उसके बाद आपको कोई काम नहीं है। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे वापस आ जाएगी। जो भी आपको ऑप्शन यूज करना है आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो ये वापस से आ जाएगी। ये कॉपी थी, हमने पेस्ट पर क्लिक कर दिया तो ये पेस्ट हो गई है पिक्चर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें वापस लेकर आना है, तो उसके लिए हमें यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सब कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, शो टैब्स एंड कमांड्स पर। और अगर आप शो टैब्स करेंगे तो ओनली आपके सामने टैब्स आ जाएंगे और स्टेटस बार आ जाएगी। ठीक है, कमांड्स नहीं आएंगे, मतलब रिबन बार नहीं आएंगे। आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, वापस चला जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या किया है, सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अगर आप शो टैब्स एंड कमांड पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपके टैब्स भी दिख रहा है, कमांड्स भी दिख रहा है, और आप नीचे क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी ऑप्शन हट नहीं रहा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस तरह से आप यहाँ से कर देंगे शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे मिलता है। जैसे कि अपन ने पिछली जो भी क्लासेस ली है उनमें आपने पढ़ा है कि ये आपके मेन्यूज या फिर टैब कहलाते हैं, इन पर आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपके सामने आती है रिबन बार। रिबन बार के ऊपर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको ग्रुप्स मिलते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है एक ग्रुप्स, ग्रुप होता है मतलब पूरी रिबन बार के ऊपर कई सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर कुछ कमांड्स होती है, कमांड्स या फिर जिनको अपन बोलते हैं नॉर्मली ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये सभी ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है स्लाइड ग्रुप्स, यहाँ पर स्लाइड से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। ये आपका फॉन्ट ग्रुप, यहाँ पर आपको फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, और इनके अंदर ये जो ऑप्शंस रहते हैं इनको अपन कमांड्स भी बोलते हैं, और कमांड्स भी बोल सकते हैं, और आप इनको क्या बोल सकते हैं, ऑप्शंस भी बोल सकते हैं, जो अपन नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लाइड्स का क्या यूज रहता है, हम यहाँ पर न्यू पर जा रहे हैं और अभी हम यहाँ पर ब्लैंक ले सकते हैं। देखिए, इसमें आपको जो भी टेम्पलेट यूज करना है आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ब्लैंक ही लो। जैसे कि अपन एमएस एक्सेल में और पावर सॉरी वर्ड में सिर्फ ब्लैंक ही लेते थे, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हो। जैसे कि आपको ये चाहिए, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर दे देता है। ठीक है, मतलब आपको टाइप तो ये चाहिए लेकिन इसका कलर कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल।
सिर्फ आपको दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई दिख रही, तो इसी से आप समझ जाइए कि आपको इस पे लिखना कम है और समझाना ज्यादा है। ठीक, तो आप इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, कोई डायग्राम वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो आपको करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पर होम मेन्यू के स्टार्टिंग के ऑप्शंस पढ़ते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सभी को आते हैं। ठीक है, फिर भी अपन थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्टिंग से, सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखोगे आपका इंट्रोडक्शन। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आपका नाम। ठीक है, ये आपको जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे किसी के सामने, इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, आप अपना पूरा नाम जो भी है वो लिखते हैं। इसके बाद क्लिक टू एड सबटाइटल आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइड ले सकते हैं, अभी हम आपको स्लाइड लेना बता देंगे। यहाँ पर आ रहा है क्लिक टू एड सबटाइटल, आप अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका कोर्स नेम, ठीक है, जैसे आप डीसीए कर रहे हैं या पीजीटीसी कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे करते हैं वो लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप बनाएंगे, मतलब आपकी नॉर्मल सी जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जैसे इन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से बॉक्स आ जाता है। ये अपन ने ये पढ़ा है एमएस वर्ड में पढ़ा है कि आप यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को आप अपने अकॉर्डिंग साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं। आप इसको छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर, जहां जहां आपको ये डॉट बने हुए दिख रहे हैं उन पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। आपको अगर इसको मूव करना है, मतलब किसी जगह पर खिसकाना है, तो आप यहाँ पर ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, इन लाइंस के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि मूव टूल बन रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको उठाकर आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है मूव टूल बनना चाहिए, और ये वाला जो साइन बन रहा है इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं, ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हैं और थोड़ा बहुत करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जिस भी बॉक्स में आप क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट वाले ऑप्शन पर। आपको अगर जैसे कि इसको हटाना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करना है तो कॉपी पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है, और आपको कहाँ पेस्ट करना है उस जगह पर जाकर आप कंट्रोल वी करेंगे या फिर आप यहाँ पर जाकर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। नॉर्मल सी चीजें ये आपको आता है। इसके बाद अगला आता है, देखिए कट और कॉपी का मेनली ये इसमें क्या यूज है, जैसे कि हमें ये वाला जो बॉक्स है, जैसे कि हमने इसको उठाकर यहाँ पे रख दिया या फिर हमें कहीं और रखना था, कहीं और रख दिया, हम इसको क्या करना चाहते हैं, यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से, ये जो ऊपर लाइन आ रही है ना, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया। हम अगर यहाँ से इसको कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी करेंगे, या फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे, कट पर क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ से कट हो गया। हम कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट हो गया, कंट्रोल एक्स करेंगे, कट हो गया। ठीक है, पूरा बॉक्स ही हट सकता है, कैसे हटेगा, आपको यहाँ से पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल एक्स या फिर डिलीट, जो भी आपको करना है आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड से पहले जैसा था वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। अब आपका आता है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर आपका इसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग की, हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्लिक रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसमें ओनली कलर कर सकते हैं, देखिए सिर्फ उसमें ही हो रहा है क्योंकि सिर्फ कोई सिलेक्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा बॉक्स सिलेक्ट है, हमें कोई कलर करना है इसके अंदर, कलर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है, इंक्रीज फॉन्ट साइज से हम इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे, डिक्रीज फॉन्ट साइज से आप क्या करेंगे, फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस भी अपन ने पढ़े। अगर आपको इसको बोल्ड करना है, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर इटैलिक करना है, इटैलिक से तिरछा हो जाता है,
इसकी बी सॉरी बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है?